हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हॉट वर्क सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट टू। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्राइंडिंग एक्सीडेंट। ग्राइंडिंग एक्सीडेंट के कारण क्या क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग क्या क्या हो सकता है। यूजिंग द रॉन्ग व्हील फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए गलत व्हील का इस्तेमाल करना, AG7 का व्हील AG5 में लगाना गलत है। केयरलेस हैंडलिंग, मशीन का हैंडलिंग गलत ढंग से करना और केयरलेस होना, ये भी इसका क्या है, ग्राइंडिंग एक्सीडेंट का एक कारण है। इम्प्रॉपर माउंटिंग, यानी व्हील का ठीक से एडजस्ट नहीं करना, वो इम्प्रॉपर माउंटिंग में आता है और जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। टू हाई स्पीड, तो इसमें हाई स्पीड ज़्यादा नहीं करना है। अब AG7 के ग्राइंडिंग मशीन, अगर व्हील का स्पीड कम है और उसको ज़्यादा स्पीड वाले मशीन में लगाएंगे तो व्हील को तोड़ देगा। नेक्स्ट है अप्लाई टू मच प्रेशर ऑन जॉब, यानी जॉब को ग्राइंडिंग करने के लिए उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाना, ये भी ग्राइंडिंग के टाइम में एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ग्राइंडिंग एक्सीडेंट। ग्राइंडिंग एक्सीडेंट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है। तो एब्रेशन है जो ग्राइंडिंग एक्सीडेंट है, लैसीरेशन, कट एंड ब्रूसेस, बर्न्स हो सकता है इसमें, फायर हजार्ड हो सकता है इसमें, फायर आग लग सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल शॉक भी हो सकता है क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक की भी संभावना हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू यूज ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों का ध्यान वहाँ पे रखना जरूरी है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेक्ट व्हील फॉर द ऑपरेशन, यानी काम करने के लिए सही व्हील का इस्तेमाल करना। इंस्पेक्ट व्हील फॉर क्रैक, ये चेक कर लें कि उस व्हील में क्रैक तो नहीं है। नेवर यूज क्रैक्ड व्हील, अगर क्रैक व्हील है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेवर एक्सीड मैक्सिमम सेफ स्पीड एस्टेब्लिश फॉर व्हील, यानी व्हील में जो RPM लिखा हुआ रहता है, व्हील में देखिए यहाँ पे RPM लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा RPM पे इस व्हील को नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये टूटने का डर होता है। नेक्स्ट जो है, बी श्योर मशीन स्पीड इज नॉट एक्सेसिव, मशीन का स्पीड एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि AG7 का RPM है जो मशीन का 8500 है और AG5 का जो है 12500 है, तो इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो व्हील लगाते हैं वो मशीन के RPM से या तो मैच होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए व्हील का RPM। यहाँ भी यही चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेवर अल्टर होल इन व्हील और नेवर अप्लाई फोर्स ऑन व्हील स्पैंडल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हील में होल नहीं करना है, एक गलत एक्टिविटी है, और उसके जो स्पैंडल है व्हील का, उसके स्पैंडल पे फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो टूटने का डर हो सकता है। टाइटेन नट ओनली इनफ टू होल्ड व्हील फर्मली। अब यहाँ पे जब व्हील लगा रहे हैं तो ध्यान देना है उतना ही टाइट करें जिससे वो फर्मली लग जाए, ज़्यादा टाइट करने से उसमें क्रैक हो जाएगा और वो फिर टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए सेफ्टी मेजर क्या है। तो सबसे पहले एडजस्ट व्हील गार्ड एंड पुट ऑन सेफ्टी ग्लास फेस शील्ड बिफोर स्टार्टिंग व्हील, यानी व्हील स्टार्ट करने के पहले सेफ्टी ग्लास और फेस शील्ड पहनना जरूरी है। द व्हील फीचर प्रॉपरली लेवल ओनली शैल बी यूज, यानी वैसे व्हील का इस्तेमाल करना जिसमें लेवल लगे हुए हैं और उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, उसकी RPM क्या है, उसकी एक्सपायरी कब है, वैसे व्हील जिसमें सब कुछ दिख रहा उसी व्हील का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग स्पीड मेंशन ऑन द व्हील शैल बी ग्रेटर देन स्पेंडल स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, यानी ग्राइंडिंग मशीन का जो स्पेंडल का स्पीड है उससे व्हील के RPM ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मशीन क्या करेगा, मशीन का स्पेंडल उसको घुमा के ब्रेक कर सकता है। ग्राइंडिंग व्हील शैल नेवर बी यूज आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट, अगर ग्राइंडिंग व्हील एक्सपायरी डेट में चला गया है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। रिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर यूजिंग ग्राइंडिंग एंड कटिंग व्हील फॉर दिस,
तो रिंग टेस्ट दोनों ही ग्राइंडिंग व्हील के लिए करना है, चाहे वो ग्राइंडिंग व्हील हो या कटिंग व्हील हो, उसका रिंग टेस्ट करना जरूरी है। अब रिंग टेस्ट कैसे करेंगे? रिंग टेस्ट करने के लिए हैंग द व्हील यूजिंग ए स्ट्रिंग या स्ट्राइक जेंटली। तो ये क्या करना है, उसको व्हील को हैंग करना है एक स्ट्रिंग के साथ और उस पर स्ट्राइक जेंटली करना है व्हील यूजिंग ए नॉन मैटेनिक मेंबर। रिगिंग साउंड, अगर इसमें रिगिंग साउंड आता है, मैंने रिगिंग साउंड इंडिकेट दैट द व्हील इज फ्री फ्रॉम क्रैक, यानी उसमें ही रिगिंग साउंड आते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्हील में कोई क्रैक नहीं है। और अगर डल साउंड आता है तो इसका मतलब है डल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक और डैमेज इन द व्हील, यानी डल साउंड आता है तो इसका मतलब है कि उस व्हील में क्रैक है या डैमेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी को कंटिन्यू करेंगे सेफ्टी मेजर में। हैंड हेल्ड ग्राइंडिंग मशीन हैविंग इट्स बॉडी मेड ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल इज प्रिफर्ड, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन का जो बॉडी है वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए तो ज़्यादा ही प्रीफर। जैसे अभी फाइबर बॉडी आ गया है, पहले स्टील बॉडी था जो कि काफ़ी हैवी भी होता था और उसमें शॉक लगने की भी संभावना रहती थी। अब ग्राइंडिंग अब है जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल का आ गया है जिसे काफ़ी हल्का भी हो गया है और इसमें शॉक लगने की संभावना कम हो गई है। इट शैल बी इंश्योर डैट बॉडी ऑफ द मशीन इज अर्थ, ये ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग मशीन का बॉडी अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। एंड इफ इट मेज ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल, और अर्थिंग वहीं पे जरूरी है जो ग्राइंडिंग मशीन है जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बनाया गया है। नेक्स्ट जो है आंसर आप कर सकते हैं, पावर सप्लाई फॉर द मशीन शैल बी थ्रू ELCV RCV 30 मिली एम्प्स सेंसिटिविटी। तो इसका पावर सप्लाई जो है वो ELCV या RCCV जो कि 30 मिली एम्प्स की सेंसिटिविटी है उसके थ्रू करना चाहिए। इंसर्टिंग वायर इनटू सॉकेट फॉर टैपिंग पावर सप्लाई शैल बी प्रोहिबिटेड, तो ध्यान रखना है वायर को पकड़ के सॉकेट में नहीं डालना, उसके लिए प्लग होना चाहिए, विदाउट प्लग ये इस्तेमाल इसका नहीं करना है। ग्राइंडिंग मशीन शैल नॉट बी ड्रैग विथ वायर्स, ग्राइंडिंग मशीन को कभी भी वायर पकड़ के वायर्स को पकड़ करके नहीं खींचना है, नहीं तो उसका कनेक्शन वहां से लूज हो जाएगा और उसमें शॉर्ट सर्किट और दूसरे प्रॉब्लम आ सकते हैं, मशीन ठीक से काम नहीं करेगा। चलिए अब उसके बाद हो सकता है गिव शॉर्ट ब्रीफ ऑन गैस कटिंग ऑपरेशन ऑक्सीएसिटिलीन, यानी जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होकर के जो काम करते हैं उस पर ब्रीफ करना है यहाँ पे। तो आप ब्रीफ कर सकते हो कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर स्टोर इन सिलेंडर एट ए हाई प्रेशर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है वो हाई प्रेशर पे स्टोर होता है एंड विच इज कंट्रोल बाय रेगुलेटर, जो कि कंट्रोल रेगुलेटर के थ्रू किया जाता है। होजेज कैरी द होज गैसेज फ्रॉम द सिलेंडर टू टॉर्च, अब होज जो होता है टॉर्च तो गैस लेके कौन जाता है, होज लेके जाता है। द ब्लू होज कैरी ऑक्सीजन, जो इसमें जो ब्लू होज रहता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड द मैरून होज कैरी एसिटिलीन, मैरून जो होज रहता है वो एसिटिलीन को कैरी करता है। द गैसेज आर मिक्स इन साइड टॉर्च, गैसेज जो होता है टॉर्च में मिक्स होता है विन बर्न एंड दे प्रोड्यूस ए वेरी हॉट फ्लेम, और जिसके कारण वो बहुत ही गर्म फ्लेम है जो प्रोड्यूस करता है। द फ्लेम इज रेगुलेटेड बाय इंटरचेंजेबल टॉर्च टिप्स एंड बाय द टॉर्च बल्ब, तो यहाँ पे फ्लेम क्या होता है रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉर्च के सामने वहाँ पे हम ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या DA ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू वहाँ पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द ऑक्सी एसिटिलीन सेफ्टी रूल्स, व्हाट आर द ऑक्सी एसिटिलीन सेफ्टी रूल्स क्या है, तो इसके कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। बिफोर कनेक्टिंग टू द रेगुलेटर ऑलवेज ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व, तो रेगुलेटर को कनेक्ट करने के पहले उसके वाल्व को ब्लो आउट कर लें, मतलब थोड़ा सा खोल के चेक कर लें क्योंकि उसमें कुछ गंदगी रहेगी तो रेगुलेटर में आ जाएगा जिसके कारण वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टैंड टू द साइड ऑफ द रेगुलेटर बाय ओपनिंग द सिलेंडर वाल्व, इसमें ध्यान रखना है कि जब भी सिलेंडर वाल्व को आप ओपन कर रहे हैं रेगुलेटर लगाने के लिए तो उस समय उसके साइड में खड़ा रह के खोलें, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल प्रेशर रिलीज, यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रेशर रिलीज हो सकता है। नेवर यूज एसिटिलीन एट ए प्रेशर एवर 15 PSI,
एसिटिलीन को कभी भी 15 PSI से ज़्यादा पे उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिटिलीन इज ए फ्लेमेबल एंड हाईली अनस्टेबल। एसिटिलीन क्या है, एक फ्लेमेबल गैस है और हाईली अनस्टेबल है। बिफोर लाइटिंग द टॉर्च रिमेंबर टू पर्ज एसिटिलीन ऑक्सीजन पासेज। यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइटिंग करने के पहले टॉर्च से एसिटिलीन, वंस टाइम एसिटिलीन और वंस टाइम ऑक्सीजन को पास करके देख लें, ताकि उसमें कुछ गंदगी हो या कुछ डस्ट हो तो निकल जाए, उसके बाद उसको लाइट करना है। वाइल लाइटिंग द टॉर्च लाइट द एसिटिलीन फर्स्ट देन ऑक्सीजन। तो टॉर्च को लाइटिंग करने में ये ध्यान रखना है कि पहले एसिटिलीन को लाइट करें और बाद में फिर ऑक्सीजन को रिलीज करना है। नेवर यूज ऑयल और ग्रीस ऑन ऑक्सीजन रेगुलेटर। टिप्स और एनी पार्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन मेक फ्लेमेबल एटमोसफेयर। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी ग्रीस या ऑक्सीजन, जो नेवर यूज ऑयल और ग्रीस ऑन ऑक्सीजन रेगुलेटर पे ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके टिप पे या कोई भी इसके कॉन्टेक्ट पार्ट है वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये है जो ऑक्सीजन मेक फ्लेमेबल एटमोसफेयर। ऑक्सीजन क्या होगा, ग्रीस और ऑयल के साथ मिलकर के यहाँ पे फ्लेमेबल एटमोसफेयर बना सकता है। ऑलवेज कीप योर वर्क एरिया फ्री ऑफ कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल। जहाँ भी काम करना हॉट वर्क का, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कम्बस्टेबल गैसेस सच एज एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन शुड नॉट बी स्टोर इन सेम रूम। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एंड कम्बस्टेबल जो गैसेज है उसको एक ही जगह पे सेम रूम में नहीं रखना है, क्योंकि इसके मिक्सचर काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं। अगर लीकेज हो गया तो उस केस में काफ़ी ही यहाँ पे भयंकर परिणाम हो सकता है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द गैस कटिंग हजार्ड। गैस कटिंग में हजार्ड क्या क्या है, तो सबसे पहले इसका आंसर कर सकते हैं, एसिटिलीन इज वेरी एक्सप्लोसिव। एसिटिलीन है जो एक्सप्लोसिव गैस है, एंड इट शुड बी यूज स्टोर ओनली विद द एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो इसको एडिक्वेट वेंटिलेशन के साथ रखना चाहिए कि अगर लीक भी हो जाता है तो वो बाहर ले जाए, बाहर हो जाए, वहाँ पे एक्युमुलेट नहीं हो, एंड लीक डिटेक्टर टेस्ट इसको करना जरूरी है। ऑक्सीजन एलोन विल नॉट बर्न और एक्सप्लोड। ऑक्सीजन है जो अकेले ना तो बर्न होता है ना ही एक्सप्लोड होता है। एट हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, यानी कि हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पे भी ये ना तो बर्न होगा ना ही एक्सप्लोड होगा। एंड विल बर्न और एक्सप्लोड इजिली इफ इग्नाइटेड सोर्स, बट यहाँ पे अगर इग्निशन सोर्स मिल जाते हैं तो उस केस में ये बर्न भी होगा और एक्सप्लोड भी होगा, क्योंकि इसका कंसनट्रेशन हाई हो गया है। द मेन हजार्ड इन हैंडलिंग कटिंग सेट दीज आर कॉज्ड बाई। तो मेन हजार्ड क्या क्या है इसमें, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है केयरलेस हैंडलिंग और लाइटेड ब्लो पाइप रिजल्टिंग इन बर्न्स। तो केयरलेस हैंडलिंग करने से, अगर मतलब लाइटेड ब्लो पाइप को केयरलेस हैंडल करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे किसी भी पार्ट को जला सकता है। तो ब्लो पाइप करने के बाद केयरलेस हैंडलिंग नहीं करना है। यूजिंग द ब्लो पाइप टू क्लोज टू कम्बस्टेबल मटेरियल, ये भी एक गलत है। ब्लो पाइप को है जो जो मटेरियल काटना, ब्लो पाइप टू क्लोज टू कम्बस्टेबल मटेरियल के पास ब्लो पाइप को लेके नहीं जाना है। कटिंग अप विच कंटेन मेनी मे हैव कंटेन फ्लेमेबल मटेरियल। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना है, गैस लीकिंग फ्रॉम होज वाल्व एंड अदर इक्विपमेंट, यानी कि होज से, वाल्व से या अदर कनेक्शन से गैस लीक हो सकता है। मिसयूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिसयूज नहीं करना है। ऑक्सीजन का मिसयूज बहुत जगह होता है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन के लिए करना एक गलत है, क्योंकि वहाँ प्योर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और वो काफी भयंकर परिणाम दे सकता है। बैक फायर एंड फ्लैश बैक, बैक फायर एंड फ्लैश बैक का नहीं होना कटिंग टॉर्च में एक है जो काफी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि बैक फायर और फ्लैश बैक का अलग अलग फंक्शन है जो कि हमें खतरों से बचाता है। चलिए, फिर उसके बाद कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रीफ ऑन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पे आप ब्रीफ करें, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पे ब्रीफ करना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे, एक कंप्रेस गैस सिलेंडर इज वेरी डेंजरस। कोई भी गैस हो और कंप्रेस हो काफी डेंजरस होता है, लाइक जेंट। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी अप टू 57 इंच टॉल। ये 57 इंच टॉल हो सकता है और इसका वेट है जो 155 LBS हो सकता है।
फुल एंड बी प्रेशराइज अप टू 220 PSI। ये फुल होता है और इसको प्रोपाइज जो प्रेशराइज अप टू 2200 PSI तक कर सकते हैं। इट वॉल्यूम अप टू 6.9 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो इसके जो वॉल्यूम होते हैं 6.9 क्यूबिक मीटर तक होते हैं। चलिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रीफ ऑन एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर को ब्रीफ करें, तो एसिटिलीन सिलेंडर को हम लोग शॉर्टकट में C2ST भी बोलते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर आर फिल्ड विथ पोरस सबस्टांस, इसमें पोरस सबस्टांस होता है सच एज चारकोल और कपोक सबस्टांस उसको बोलते हैं, एंड विच इज सोक विथ एसीटोन, जो एसीटोन के साथ सोक किया होता है ना, इसीलिए इट इज से डिजोल्व एसीटोन, इसीलिए हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर को डिजोल्व एसीटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कर सकता है कि डिजोल्व किस में होता है, तो डिजोल्व किस में होता है, एसीटोन के साथ ही डिजोल्व होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, द प्रेशर इन एसिटिलीन इज 250 PSI। एसिटिलीन का जो प्रेशर रहेगा सिलेंडर में 250 PSI रहेगा, एंड इसके वॉल्यूम जो होगा 8.5 क्यूबिक मीटर होगा। नेवर यूज एसिटिलीन सिलेंडर एट प्रेशर एवर 15 PSI, तो इसको 15 PSI से ज़्यादा पे इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही गलत हो सकता है। एज एसिटिलीन इज ए फ्लेमेबल हाईली अनस्टेबल, क्योंकि एसिटिलीन एक फ्लेमेबल गैस है और हाईली अनस्टेबल गैस है। उसके बाद आंसर आप कर सकते हैं, कॉपर पाइप शुड नॉट बी यूज फॉर कनेक्टिंग होज टूगेदर एज एसिटिलीन कैन फॉर्म कॉपर एसिटिलाइट्स एंड विच आर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर के साथ कोई भी कॉपर पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो एसिटिलीन होता है वो कॉपर से रिएक्शन करके एसिटिलाइट बनाता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बनाता है। और उसके बाद आप आंसर इसका कर सकते हैं कि कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इज मैरून। कलर कोड जो एसिटिलीन सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, मरून होता है। तो आपने इसका ब्रीफ है जो उसको दे दिया है, तो आशा करते आप समझ गए होंगे, और अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो गए उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।